दीनदयाल जी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक घर घर तक सत्य को पहुंचाना, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा इन सत्यों को लेकर जनता और किसानों तक जाए। हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ जहां किसान दिसंबर की कपकपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे है, तो दूसरी तरफ सरकार है कि इस बिल को लेकर कह रही है कि नए कानून किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन कानूनों के प्रति सरकार की नीति और मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों और किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की है। किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी गण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भ्रम की स्थिति अपोजिशन पार्टीज अपने सत्ता लोलुपता में करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका यह दायित्व है, उसको यही करना चाहिए, लोगों को समझाना, सत्य को जनपद तक ले जाना, सत्य को चौपाल तक ले जाना, सत्य को किसान के देवड़ी तक ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी प्रकार का कार्य करती है, दीनदयाल जी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक घर घर तक सत्य को पहुंचाना, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा इन सत्यों को लेकर जनता और किसानों तक जाए।